ये मिर्चों के पौधे हैं जो पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, पहले छोटे छोटे थे, दिखाए थे उस वक्त फूल ही थे, छोटे छोटे थे। अब ये देखें, ये मैं मंडी से लगा के, ये नर्सरी से लगा के लाए थे, तो ये बहुत अच्छी मिर्चें निकली हैं, गुच्छे के गुच्छे इसको मिर्चें लगी हैं। ये हैरान रह जाता है कितनी कितनी मिर्च लगी है, एक एक पौधे, एक एक टहनी में गुच्छा सा, गुच्छे गुच्छे ही हैं ये, देखें दिखाएँ। तो अब ये काफ़ी सारी ये पकती जाती हैं तो मैं तोड़ता जाता हूँ, उधर रखते जाते हैं और सुखाता जाता हूँ, काफ़ी सारी तोड़ती हैं ये, गुच्छे नीचे भरी हुई है। एक हाइब्रिड किस्म की मिर्च है, इसका नाम तो मुझे नहीं आता, तो ये बहुत ज़्यादा इसको लगी है ये। इसके साथ ही ये हमारी देसी है, ये पौधे हैं, इनको भी यही हर चीज़ रुई डाली है, लेकिन इस पर कोई कोई मिर्च लगी हुई है। तो ये दो पौधे देसी के हैं हमारी, जो जो मोटी मिर्च होती है, मिर्च लगाते हैं, तो इसको बहुत ही कम लगी है। फूल तो बहुत लगता है और खुराक में मैं अच्छी की है इसकी, लेकिन फिर भी इसको मिर्च ज़्यादा नहीं लगी जितनी इसको। ये तो माशाल्लाह भरा हुआ है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, ये सारे पौधे मेरे को 8-10 हैं, ये सारे भरे हुए। तो ये जो पकती जाती हैं वो मैं उतारता जाता हूँ और नई इसमें से निकलती आती हैं। तो लगता है कि ये 5-10 तो है ना, 10 पौधे हैं, तो इसमें 2-3 किलो हमें मिर्चें ये सीजन का आखिर पर मिल ही जाएंगी। ये दिखाएँ कैसा ग्रीन, के साथ ग्रीन है तो वो इतनी पता भी नहीं चल रही है, आंखों से पता चल रही है। बड़ी खूबसूरत है। तो ये छोटा ही गमला है, गमला पहले भी दिखा चुके हैं इसको, इधर से ये लकड़ी का बनाया हुआ गमला है, इसमें लगाया हुआ है। तो ये इसमें अच्छी सी मिट्टी मैंने बनाया था, 50% काओ डंग डाला है और 50% मिट्टी डाल के, तो इसके इसको मैंने भर के, तो इसमें ये पौधे लगा दिए थे। और ये छोटे गमले, बड़े गमले नहीं हैं, ये खुद हैंडमेड बनाए हुए हैं। ये एक दूसरा गमला है, बाकी सारे लकड़ी के गमले हैं, जिसमें गमले हैं जिसमें लगाई है, और ये खूब लगी है। ये देखिए, इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको कोई स्प्रे नहीं की, ये ऐसी किस्म है अलग मतलब कोई हाइब्रिड किस्म, इसको ना तो कोई कीड़ा लगा, ना पेस्ट लगा, कोई ना तेला, ना इसको मिली बग, उसको लगता है, इसको हर चीज़ ही लगती है मोटी है, इसको तेला भी लगता है, मिली बग्स भी लगी हैं, इसको मुसीबत पड़ती है। लेकिन ये माशाल्लाह, ये देख कैसी ये छुपी हुई भरी पड़ी है, एक एक पे 8-8, 10-10 है, तो गुच्छे के गुच्छे। प्यारी कितनी लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी लगती है, आप देखें खूबसूरत। हाँ, तब तो छोटे थे, हैरान से रह जाता है बंदा। अब ज़मीन में तो ये बहुत ज़्यादा देती होंगी, लेकिन गमला तो छोटा होता है, जड़ जो पूरी उसको खुराक, जितना भी हम गमला लगा लें खुराक पूरी नहीं करते। अगर ये ज़मीन में लगी हो तो इसकी बहुत सारी मिर्चें उतरेंगी। ये छोटा गमला है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, छोटा सा गमला है, ये सारे इतने ही गमले हैं, छोटे छोटे सारे, तो भरे पड़े हैं। लगाने का तरीका ये मैंने अक्टूबर नवम्बर में लगा दी थी नर्सरी से लगा के, और ये 2-3 दफ़ा इससे मिर्चें मैं तोड़ चुका हूँ, जो पकती हैं वो तोड़ चुका, काफ़ी पकती हैं, काफ़ी तोड़ी हैं, हरी भी हमारी ज़रूरत पूरी करती है, काफ़ी रहती है। अब लगनी शुरू हो गई थी मार्च से, इसको लगनी मार्च और अप्रैल में लगनी शुरू हो गई, तो ये अब ऐसे ही भरी हुई हैं सारी, जितने भी पौधे हैं सब में भरी हुई हैं। तो ये अब मौसम अच्छा है, आज तो गर्मी थी पहले, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये दूसरी वीडियो है इस मौसम, इसको भी इंशाल्लाह डालेंगे। तो ये घर में उगा सकते हैं, ये कोई इसको मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता, ना कोई जादू करना पड़ता है, ना कोई इतना कुछ। लेकिन ये आपकी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत करके तो सब उगा सकते हैं। हाँ जी, मैं तो काफ़ी मेहनत करता हूँ, थोड़ी मेहनत भी करेंगे इंशाल्लाह जी, अच्छा बीज मिल जाए। अब इसका बीज मैं खुद रखूँगा अगले साल इंशाल्लाह, मैं खुद उगाऊँगा। हाँ जी, वो जो हमारी देसी है वो मैंने लगाया हुआ था बीज, तो वो दो पौधे हैं, उनको कुछ भी नहीं लगा, तो ये माशाल्लाह भरी हुई है। तो यही बीज मैं इसको ना जो पक जाएंगे, तो ये बीज मैं इंशाल्लाह स्टोर करूँगा और इसको फिर अगले साल इंशाल्लाह। ये किसान है, बड़े बड़े बीज आ गए नए नए, जो हमने अभी तक नहीं देखा, पहली दफ़ा ही लगाया, काफ़ी साल हो गए मुझे लगाते हुए।
तो ये पहली दफ़ा ही नर्सरी से मिला मुझे भाई चार्ज, तो बहुत ही खूबसूरत। चलिए ठीक है भजन, ओके अल्लाह हाफिज़।